इनके एक आरएसएस के बड़े प्रमुख नेता हैं मोहन वैद्य जी, 2017 का उनका बयान है, वो कहते हैं देश में आरक्षण खत्म होना चाहिए। 2015 में आरएसएस के प्रमुख, आप सब जानते हैं, देश के लोगों के लिए तो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिखा वो भारत का संविधान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान वो है जो आरएसएस के प्रमुख लिखते हैं। उनका देश के संविधान में आस्था नहीं है, क्योंकि देश के संविधान को तो बदलना चाहते हैं, तार तार करना चाहते हैं। वो किसके संविधान को मानते हैं? वो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के संविधान को मानते हैं। जो नागपुर का संविधान है वो भाजपाइयों पर लागू होता है, भारत का संविधान वो नहीं मानते, भारत के संविधान में उनकी आस्था नहीं है। और इसीलिए देखिए आप, प्रधानमंत्री ने कितने अहंकार में कहा, खुद बाबा साहब आ जाएं तो संविधान बदल नहीं सकते। ये किस बात का चैलेंज आप दे रहे हैं बाबा साहब को? बाबा साहब ने तो एक बच्चे को जन्म दिया है संविधान के रूप में, उसका कत्ल वो क्यों करेंगे, वो क्यों कोई बदलाव करेंगे? इसका मतलब बदलाव की मंशा आपके और आरएसएस के और संघ के मन में और नागपुर में बैठे हुए लोगों के मन में है। और इसीलिए देश का गृह मंत्री खुलेआम कह रहा है 50 साल तक देश पे राज करूंगा, क्योंकि जब चुनाव खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, रसिया के पुतिन का राज हो जाएगा, किम जोंग का राज हो जाएगा, तो क्या जरूरत है चुनाव कराने की? तो मैं आपको बता रहा था कि मोहन भागवत ने 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले कहा कि देश के अंदर आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। क्यों भाई? बाद में जब उन पे हमले होने लगे तो लीपापोती करने में लग गए, नहीं हमारे कहने का ये मकसद तो नहीं था, वो मकसद तो नहीं था।